के बाद अब सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। जिले की बाणगंगा, फूगा, धोदी और बूढ़ी राप्ती नदियों पूरी तरह उफान पर। बूढ़ी राप्ती और गोंगी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा खराब स्थिति तहसील में है। सोहर्तगढ़ तहसील के दर्जनों गांव खीरी शीतल, बालानगर, खिछैया, बेरिया, तोमई सदर तहसील के जिला मुख्यालय आसपास जमुआ नाले से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सदर तहसील की जोगिया ब्लॉक और उसका ब्लॉक के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बासी तहसील की बात की जाए तो वहां भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पूरे जिले में बाढ़ अपना रौद्र रूप धारण करती जा रही है। वहीं इस बाढ़ से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। तटे इलाकों की बात करें तो फसल पूरी डूब चुकी है। किसानों के सामने अब रोटी की संकट उत्पन्न हो गए हैं। नदियों के लगातार बढ़ने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बाढ़ लगातार अपना विकराल रूप ले रहा है, जबकि जिला प्रशासन कछुआ चाल से लोगों की मदद करने में जुटा है। बाढ़ के इस भयावह रूप के बाद कुछ जगहों पर लोग सुरक्षित स्थान के रहने लगे हैं और शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं SDM सोहर्तगढ़ उत्कर्ष श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ जगहों पर बाढ़ पानी गांव में घुस गया है। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। लेखपालों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगा दिया गया है। नाव की व्यवस्था भी की जा रही है। गांव प्रभावित हुए हैं आपके क्षेत्र में? पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसके से तहसील क्षेत्र अंतर्गत कुछ गाँव में आवागमन की समस्या आई है। जो कुछ जगह आबादी जो है चारों तरफ से पानी से घिर गई है। जैसे हमारे यहाँ बैरहवा है एक गांव है और रहवा तौलीहवा का एक टोला है रामनगर, इन सब जगहों पे आबादी चूँकि गांव के लोग जो हैं उनके आवागमन की समस्या हुई, जिसके दृष्टिगत नाव की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार वगैरह लोग क्षेत्र में हैं। आगे भी जैसी समस्या हुई आएगी उसको टैकल किया जाएगा। सर, इटहिया के 6 गांव हैं, उसमें से कई गांव डूब गए हैं, वहां पे अभी तक नाव नहीं पहुंची। इटहिया के प्रधान जी से बात हुई है, उनको जो ग्राम निधि की गांव थी वो उनके यहाँ रिपेयर के लिए गई हुई है। इसके दृष्टिगत जो नाव विधायक निधि से उपलब्ध है उसको पहुँचाया जा रहा है।